हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आए दिन संविदा कर्मी को लेकर कुछ न कुछ अपडेट आती रहती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 17,000 जो प्लस की पोस्ट थी उसके अंदर उम्मीदवारों ने यहां पर जो है काफ़ी दिन इंतज़ार किए, कहीं एक साल से ज़्यादा इंतज़ार किए। अभी भी उम्मीदवार इंतजार ही कर रहे हैं इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। पर दोस्तों, अब जो न्यूज़ आ रही है, यानी कि स्टाफ नर्सिंग की हो सकती है, ANM की हो सकती है, यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन की हो सकती है, फार्मेस्ट की हो सकती है, इसमें यह बताया जा रहा है यहाँ पर जो है अनएक्सपेक्टेड कुछ अपडेट आ रही है मीडिया रिपोर्ट हाउस के अंदर, जिसमें बताया जा रहा है कि जो संविदा भर्मी थी, यानी कि UPNHM द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी 17,000 प्लस की पोस्टों की, अब इस पर नेशनल हेल्थ मिशन विचार कर रही है। दोस्तों, किस चीज़ पर विचार कर रही है वो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इस विचार के बाद ही आप सभी की जो वेटिंग है, चाहे वो नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की हो, चाहे वो वेटिंग की हो, उसकी वेटिंग जारी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसके लिए भी उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, जिला वोटर लिस्ट जाना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर। पर नेशनल हेल्थ मिशन जो है अब इस पर कुछ अपने शिकंजे को मजबूत कर रही है, और संविदा कर्मी की भर्ती में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट या चेंज परिवर्तन आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसा कि रिजल्ट के अंदर, भर्तियों के अंदर, पदों के अंदर जब देखने को मिला था, उसी तरह से अब जो है संविदा कर्मी को लेकर कुछ नई अपडेट NHM डिपार्टमेंट जो है आने वाले समय में दे सकता है। पर इसकी अभी तक कोई भी कंफर्म पुष्टि नहीं की गई है। एक अपडेट इसमें बताया जा रहा है, इसके चलते जो है आप सभी की डॉक्यूमेंट जो है और भी विलंब हो सकती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आप सभी को देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार अगर वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए यह एक तरह से गुड न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि अगर इस रूल को NHM डिपार्टमेंट अगर लागू करता है तो उम्मीदवारों की जो वेटिंग है नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, वो यहाँ पर ज़्यादा परसेंट में आ सकती है, वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर हो सकता है। दोस्तों, ऐसा जो है अपडेट निकल कर आ पा रहा है, इससे उम्मीदवारों को भले थोड़ा वेट करना पड़े पर उनके लिए यह गुड न्यूज़ की ही अपडेट है, जिसमें कि उम्मीदवार यह कह सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा उन्हें एक अच्छा जो है गुड न्यूज़ मिला, थोड़ा विलंब ही हुआ पर मिला। पर इसी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, जल्द ही एक वीक के अंदर यह भी पुष्टि हो जाएगी कि जो बातें हैं क्या वो स्पष्ट है या नहीं है। जिसमें कि दोस्तों बताया जा रहा है कि जो स्टाफ नर्सिंग है और जो ANM है और जो यहाँ पर LT है और जो फार्मिस्ट है, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पद जो है इसके अंदर बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो चांसेस बताए जा रहे हैं वो फार्मिस्ट के पद थे, क्योंकि फार्मिस्ट के पद बहुत कम थे और इसके लिए उम्मीदवारों द्वारा जो फॉर्म अप्लीकेशन है वो भी काफ़ी कम था। तो इन चीज़ों को लेकर आयोग जो है फार्मिस्ट की पदों की जो वृद्धि है वो लगभग कर सकती है 500, 600 या 700 पदों में वृद्धि करने की जो अपडेट है वो बताई जा रही है। पर इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण या पुष्टि नहीं दी गई है कि इन चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी होगी। पर दोस्तों, अगर इन चीज़ों की बढ़ोतरी होगी तो फिर से एक बार अगर वृद्धि की जाती है तो फिर से एक बार जो है नए पैटर्न पर फार्मिस्ट की जो है रिजल्ट निकाली जाएगी, फिर से आंकड़े काफ़ी बदलेंगे और उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ सकती है। नहीं तो दोस्तों, इस कंडीशन में यह कह सकता है कि इन कंडीशन में दोस्तों यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर जितने भी पद निकालने हैं इनके रेशियो कर जो है हर एक पोस्ट पर जो है अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को डॉट सेंटर या मिनी सेंटर पर इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है UP के अंदर। और आपने देखे हैं कि डॉट पॉइंटर के जो डॉट पॉइंट है वो कितने सारे यहाँ पर जो है बने हैं, और उसके अंदर यहाँ पर जो है स्टाफ की कमी है वो भी आपने महसूस किया है। तो इन चीज़ों को लेकर अभी जो बताया जा रहा है कि फार्मिस्ट के अंदर पद बढ़े हैं, पर दोस्तों उतने पदों के लेकर उम्मीदवारों को फिर से चयन लिस्ट जारी करना वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। यह हो सकता है कि NHM डिपार्टमेंट इन सभी पदों को इक्वली बांट सकता है यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर, पर अभी इसके बारे में कोई भी स्पष्ट पुष्टि निकल कर नहीं आ रही है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। और दोस्तों, इसी के चलते जो इसकी प्रोसेस है वो फिर से हो सकती है फार्मिस्ट की, जिसके लिए यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो है इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है अपडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एजेंसियाँ थी वो जल्द से जल्द चाहती हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को प्रोसेस किया जाए और जो भी जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है वेटिंग से शॉर्ट लिस्टेड से उम्मीदवारों की संख्या को कैलकुलेट कर, चाहे वो ANM हो, फार्मिस्ट हो, LT हो, स्टाफ नर्सिंग हो, उन सभी की जो है कैटेगरी वाइज जो है
जो है यहाँ पर वेटिंग निकाला जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ANM और फार्मिस्ट के अंदर लगभग यहाँ पर जो है ANM के 1500 स्टाफ, नर्सिंग के यहाँ पर जो है 3000 प्लस निकाले जाएंगे। पर दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो है फार्मिस्ट के पदों बढ़ने को लेकर पूरी जो कैलकुलेशन है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो यहाँ पर उथल फुथल हो रही है। और साथ ही यहाँ पर आपने देखा है कि कई जो है नई रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, उसके अंदर भी उम्मीदवार जा रहे हैं। और कहीं जगह पर जो बिहार में है, चाहे वो राजस्थान में है, उसके अंदर भी कई रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी उम्मीदवार जो है वो जाते रहते हैं और उनका यहाँ पर कुछ का भी हो भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको UP NHM डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर कुछ समय के लिए विलम्ब होना यहाँ पर अस्पष्ट है, क्योंकि यह जो नियम लागू किया जा रहा है उम्मीदवारों की कमी देखकर, वैकेंसी के अंदर पोस्ट खाली देखकर यहाँ पर दोस्तों, जिसमें कि UP NHM डिपार्टमेंट जो है नई वैकेंसियाँ भी फार्मिस्ट की निकाल सकता था, पर दोस्तों उन्होंने इसी के अंदर यहाँ पर जो है जो उम्मीदवारों को फिक्स करने का सोचा है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है उम्मीदवारों के लिए फिर से यहाँ पर फॉर्म निकालना, फॉर्म भरना, इन चीज़ों को पुष्टि कर सकता था, पर उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ मिशन यह चीज़ कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर उन उम्मीदवारों को तो पूरा बेनिफिट होगा जिनके वेटिंग आने वाले हैं या जिनके जो कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्टेड है, उन उम्मीदवारों को यहाँ पर एक अच्छा होप जो है NHM डिपार्टमेंट ने दिया है। और इस होप से दोस्तों पद बढ़ते हैं, क्योंकि संविदा की भर्ती है, आप सभी को पता है कि इस पर उम्मीदवारों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। संविदा की भर्ती है, 1000 को भी एक भर्ती में बदल सकते हैं और 10000 की भर्ती को भी 1,00,000 पदों में बदल सकते हैं, क्योंकि इनका यही जो है नोटिफिकेशन के अंदर जो है इनकी पूरी स्पष्ट जो बातें रहती हैं। तो दोस्तों देखना है कि जो न्यूज़ आ रही है क्या वो स्पष्ट रूप से सही है या नहीं है, या यह चीज़ अफवाहें हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों मैं कांटेक्ट करूंगा NHM डिपार्टमेंट से इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि वहां से कोई इंक्वायरी तो मिलती नहीं है, पर दोस्तों कोशिश किया जाए कि इन चीज़ों को लेकर जो है जल्द से जल्द अपडेट मिले, क्योंकि उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है छूटी उम्मीद देना या ये चीज़ कहना, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी गलत चीज़ होती है। पर दोस्तों जो अपडेट हमारे पास जेन्युइनली आती है, उस अपडेट को आप तक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट है जो काफ़ी दिन सोशल मीडिया पर यहाँ पर जो है फैलाई जाती हैं, ये हो सकता है कि फेक हो। इसलिए दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस होप पे रहें, क्योंकि दोस्तों कुछ भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी एग्जैक्टली उसको हमने साझा किया है, पर यह कोई कन्फर्म न्यूज़ है कि नहीं है। जल्द से जल्द जो है NHM डिपार्टमेंट अपने ट्विटर हैंडल पर या इस चीज़ों को लेकर कोई भी ऑफिशियली अपडेट इन चीज़ों पर नहीं किया है, क्योंकि हर चीज़ों पर उनको यहाँ पर हमारे तरफ से देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रही है, तो वो चीज़ आप सभी को जेन्युइनली जानना ज़रूरी है। अगर होता है तो उम्मीदवारों के लिए सबसे बढ़िया जो है बेनिफिट है, पर दोस्तों नहीं होता है तब भी उम्मीदवारों को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो वेटिंग है यहाँ पर जो है वो तो आनी कन्फर्म है, स्टाफ नर्सिंग की और यहाँ पर जो है ANM की। अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी को जरूर से किया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।